जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे डिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं मॉर्निंग में जो अफगान ओडीडी के मुकाबले खेले जाएंगे उसमें हमारा फैंटेसी का टीम क्या रहने वाला है। आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूं, अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना डेमो टीम होगा। फाइनल टीम में जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लूँ कि आपको तो सभी जगह एक्सपर्ट मिलते होंगे, सभी तरह के एनालिसिस देखने को मिलते होंगे, तो प्रेडिक्शन राजा के पास आप क्यों हो, क्या आपको डिफर दूसरे से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो प्रेडिक्शन राजा चैनल पे आपको क्या स्पेशल मिलेगा। हम हर एक वीडियो में इस चीज को जिक्र इसलिए कर लेते हैं, मुझे लगता है कि कहीं आप भूलता ना जाते हो। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल लीग के साथ साथ आपको जीएल की भी स्ट्रेटेजी मिलेंगी। जीएल में भी हम लोग किस तरीके से टीम बनाएंगे वो आपने आईपीएल में देख ही लिया, सूर्य कुमार यादव हो, उसके अलावा मैंने वीडियो में बोल रखा था कैमरन गिन, हार्दिक पांड्या सबको लेके, फिर राशिद खान को लेके हमने जिक्र की थी। तो यहाँ पे जीएल की स्ट्रेटेजी जो है स्मॉल लीग के साथ साथ हम देखेंगे, फिर इंडिविजुअल गाइडेंस। मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ ये होने वाली है हमारे चैनल पे। संडे टू संडे जो है हम या तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के ऊपर हम लाइव आएंगे और आपके जो भी डॉट्स होंगे एक एक डॉट्स को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। उसके अलावा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक टीम के नीचे मैं जो है अपना प्लान शेयर कर दूंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है, आप उसको फॉलो करके अपना जो है वो कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स गेन कर सकते हो। फिर अगर हम बात कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 75% केस में जो है आपको फ्री गिव अवे किसी न किसी ऐप पे मैं दिलवा दूंगा, और फ्री गिव अवे आपके लिए किस तरीके से काम करेंगे उसको लेके मैं बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूँ कि बैठे बैठे आप लाखों रुपीज कैसे अर्न कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिलेक्टेड मैचेज में कमेंट गिव अवे भी देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्टेड के ऑलमोस्ट मैं सारे मैच में देने वाला हूँ, कौन से प्लेयर को लेकर आपको कमेंट करना है वीडियो कंप्लीट देखना है। आप लोगों में से किसी एक लकी यूजर जो होंगे उनको 101 रुपीज हर एक वीडियो मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा वो नंबर आपका भी हो सकता है। उसके अलावा मेरा कोशिश होगा एक्सचेंज 22 का बाय सेल मल्टीवेगर पिक्स भी देने का, साथ में कुबेरा का ड्यू क्विंटो पिक्स भी हम वीडियो के बीच में डिस्कस करने का पूरा कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी यहाँ पे चीज आपको देखने को मिल जाएंगी, आपको कंप्लीट टीम मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पे हमारे जो है 10 प्लेयर ये होगी, 11 प्लेयर के लेके मैं ऑप्शन दे दूंगा या फिर मैं आपको कैप्टन वीसी का ऑप्शन दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो मेरा टीम होगा वो आपका टीम होगा, मतलब ये जीतेंगे साथ हारेंगे साथ। अब यहाँ पे आइए हम बात करते हैं ये सब चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपडेटेड टीम या फिर हमारा फाइनल जो भी कॉल होगा वो कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो जुड़ना तो वहाँ बेहद ही जरूरी है ना। टेलीग्राम पे तकरीबन हमारे 55,000 सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब पे लेके बात कर ले 48.5 के सब्सक्राइबर हमारे हैं। मुझे उम्मीद है 50K को हम लोग बहुत जल्द टच कर लेंगे, मुझे अपने से ज्यादा मुझे पीआर फैमिली के ऊपर विश्वास है। अब अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे विनिंग परसेंटेज को लेकर, तो मुकाबला होगा एमडी वर्सेस जीएसईएच के बीच में, जहाँ पे एमडी के विनिंग चांसेस 100% है, मतलब जीएसईएच के विनिंग चांसेस 1% भी नहीं। इसका मतलब ये समझो भाई साहब कि ये मैच ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेहतरीन शानदार लाजवाब हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे ये पिच रिपोर्ट को लेकर, तो पिच को लेकर बताया जा रहा है बैटिंग विकेट जहाँ पे स्पिनर्स के पास एज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पिच कुछ भी बिहेव करे ये टॉस के ऊपर गेम चलने वाली है। अगर एमडी की पहले बल्लेबाजी आ जाए तो बोर्ड पे आप आराम से 300 के आसपास का टारगेट देख सकते हो, अगर सामने जेसीएच की पहले बल्लेबाजी आए तो बोर्ड पे आप मुश्किल से 150 के आसपास का टारगेट देखोगे। अगर हम बात करें लास्ट 5 T20 मैच, यहाँ पे मैंने जो है ये गलत लिख दिए, लास्ट 5 T20 के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए ODI के मुकाबले, और ये आई थिंक जो मैं IPL के वीडियो बनाया था वही कैटेगरी यहाँ पे रह गया। तो लास्ट के 5 ODI मैच में यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास का है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है, कंप्लीट टॉस के अकॉर्डिंग मैच चलने वाले हैं। आगे चलेंगे लास्ट के 5 ODI मैच में, उससे पहले देखिए वेदर रिपोर्ट, लाइट रेन के चांसेस बताया जा रहे हैं, बेस्ट सुटेड फॉर स्पिनर्स है, सब कुछ आपको साइड में दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग उन चीज़ों को, ठीक है। लास्ट के 5 ODI मैच में क्या हुआ, टॉस का रिपोर्ट देखिए, टॉस यहाँ पे काम कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। कमजोर वर्सेज स्ट्रॉन्ग टीम है तो यहाँ बिल्कुल टॉस काम नहीं करेंगी। टॉस विनर्स अप टू बैट फर्स्ट 80% के, मतलब 5 में से 4 दफा ऐसा हुआ है जो टीम टॉस जीता है उसने पहले यहाँ पे बल्लेबाजी की है, और रिजल्ट भी 5 में से 4 दफा बल्लेबाजी फेवरेट टीम की ओर गई है, मतलब जो टीम पहले बल्लेबाजी की है वो यहाँ पे मैच में निकाली है। लेकिन ये चीज तब लागू होगा ना जब दोनों टीम बराबरी के हैं, यहाँ पे तो वन साइडेड वाली मैच आपको देखने को मिलेंगी। अब न्यूज यही है कि अफ्ताह आलम और वाई अहमद जय में भी यहाँ पे आपको खेलते नजर आ जाए।
अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 एमडी का, तो वहां पर आपको दिख जाएंगे एस अटल, ए मल्लिक, एच शहीदी, एन जमाल, उसके अलावा समीउल्ला सिनवारी, अजमतुल्ला उमर जैन, एन खारोटे, कैस अहमद, जियाउर रहमान, डब्लू मोहन और इकरम अली खिल। अब देखिए हम बात करेंगे दोनों टीम के प्लेयर के जो है लास्ट के 3 से 5 मैच में किसने कितने फैंटेसी के पॉइंट दिए। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको बेहतरीन प्रॉफिट दिलवा सकता है। यहाँ पे रन आउट, कैच, फिर यहाँ पे कितने आपने रन किए, आपने कितने विकेट लिए, सब कुछ इंक्लूड है। तो भाई इससे लास्ट वाले जो मैच खेलेंगे उस सबका आपको स्टैट्स देखने की बिल्कुल ही अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर बात कर लेंगे अटल को लेकर 71 112 पॉइंट दिए, मतलब अच्छा इन्होंने खेल दिखाया है। फिर ये मल्लिक 65 79 70 और 9 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे नासिल जमाल को लेके बात कर लेंगे 47 35 4 और 107। अगर हम बात कर लेंगे हसमतुल्ला शाहिदी, ध्यान रखिएगा कभी भी गेंदबाजी में आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। प्लस अगर ये पहले बल्लेबाजी टीम करे तो कैप्टन वीसी में आप इनको लेके चल सकते हो। टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, कभी भी आपको 100 प्लस पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। शाहिदी को लेकर बात कर लेंगे 50 37 40 44 और 8 पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। फिर समीउल्ला सिनवारी 99 9 10 6 और 70 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। फिर अजमतुल्ला उमर से 103 86 29 92 52 पॉइंट्स दिए हैं। टॉस के अकॉर्डिंग हम इनको कैप्टन वीसी करेंगे। अगर इनका टीम पहले गेंदबाजी करता है तो हो सकता है मैं स्पिनर के साथ कैप्टन वीसी चला जाऊं। वो कौन होंगे उसके लिए दोस्तों हम आगे बात कर लेंगे। अब हम बात कर लें एन खरोटे 75 61, उसके अलावा कैस अहमद 54 -2 124 और 9 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। जियाउर रहमान 136 29 41 9 और 66 पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। फिर बात कर लेंगे यहाँ पे मोमेंट को लेके 436 और 37 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। इकरम अली खिल 24 8 38 41 45 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। एक वक्त ऐसा था ये मोहम्मद शहजाद को रिप्लेस किए हुए थे इंटरनेशनल मैचेस में, फिर उसके बाद आगे रामोल्ला गुरबाज, फिर उन्होंने इनको रिप्लेस किया, तब से वो राज कर रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे जेसीएच को लेकर, तो कमजोर टीम है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ओपन एस रफजाए, फिर यहाँ पे डब्लू तरकिल, एम हरून कैप्टनसी कर रहे हैं, एन खान, ए अहमद, के होताक, उसके अलावा एन हसन, उसके अलावा एन खान, एब दौदजाए, फिर आपको दिख जाएंगे ए गजनाफर, बी अहमद। इनकी तरफ से आपको ज्यादा स्टैट्स रखने की ध्यान मतलब बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। कुछ प्लेयर सिलेक्टेड हैं उसको आप अपने 4 प्लेयर वाले कैटेगरी में ले लीजिएगा, और जहाँ पे 10 प्लेयर आप एक टीम से लेकर जा सकते हो वहाँ पे सामने वाली टीम का मैक्सिमम प्लेयर ट्राई कर लीजिए। इनके तरफ से अरब जैक 44 24 पॉइंट्स इन्होंने दिए लास्ट के 2 मैच में। तरकील लास्ट मैच में अच्छा खेल गए थे पल के साथ 128 1 पॉइंट्स। एम हरून 29 11 1 और 5 पॉइंट्स। एन शाह 836 28 25 पॉइंट्स, उसके अलावा ए अहमद 17 पॉइंट, के होता 35 5 40 पॉइंट्स, उसके अलावा एब दौदजाए को लेकर बात कर ले 427, एन खान 39 77 18 और 5 पॉइंट्स, एन हसन 7 पॉइंट्स, उसके अलावा गजनाफर 5, बी अहमद 37 6 और 69 पॉइंट। इनकी तरफ से एक दो अच्छे भी प्लेयर हैं जो बेंच पे थे, इस मैच को नहीं खेले थे, इससे पहले वाले मैच सबको खेले थे, अगर वो खेलते हैं तो हम लोग उसको बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेंगे दोनों टीम के लास्ट 5 ओडीआई मैच को लेकर, तो यहाँ पे जेसीएच की टीम 4 के 4 हारी है, और जेसीएच की टीम मींस यहाँ पे एमडी की टीम, मैंने यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट लिख दिया जो आपको साइड में दिख रहे होंगे ना, वहाँ पे मैंने जेसीएच में एमडी की टीम लिख दी है और एमडी की टीम में जेसीएच की लिख दी है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जेसीएच की जो टीम है वो लास्ट के 4 में 4 मुकाबला हारे हैं, और एमडी की टीम यहाँ पे लास्ट के 4 में 5 में से 2 मुकाबला विन किए हैं, 2 हारे हैं, 1 इनका नो रिजल्ट रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में बात कर लेते हैं टीम एनालिसिस, किस टीम की क्या चीज़ स्ट्रांग है, क्या चीज़ें कमजोर है। एमडी को लेके बात कर लेंगे तो यहाँ पे टीम ओपनिंग जो है ना यहाँ पे वेरी स्ट्रांग है, ओपनर वन डाउन इनके काफ़ी तगड़े हैं, जेसीएच के एवरेज हैं। मिडिल ऑर्डर यहाँ पे एमडी की काफ़ी स्ट्रांग है और जेसीएच के वीक हैं। डेप्थ बैटिंग डेप्थ जो है वो एमडी में काफ़ी गहरा है, अजमतुल्ला उमर जो है बहुत नीचे आते हैं खेलने के लिए, और जेसीएच के वीक हैं। पेस बॉलिंग स्ट्रांग है किसके, एमडी के, और जेसीएच के वीक हैं। और स्पिन बॉलिंग वेरी स्ट्रांग है, कैश अहमद दिख जाएंगे आपको, फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जियाउर रहमान, यहाँ पे मतलब भरे पड़े हैं इनके जियाउर रहमान, उसके अलावा कैश अहमद, और भी एक इनके पास क्वालिटी वाले स्पिनर हैं, जब हम टीम साइड देखेंगे तो वहाँ पे हम उसको एनालाइज कर लेंगे। जेसीएच यहाँ पे ब्रेज टीम है। अगर हम बात करें डेथ ओवर्स को लेके तो आपको एमडी के तरफ से दिख जाएंगे उमर जाए, डब्लू मोमेंट, और जेसीएच के तरफ से आपको दिख जाएंगे यहाँ पे दौदजाए, एन खान। स्टार्टिंग स्पेल आपको दिख जाएंगे एमडी के तरफ से जियाउर रहमान और डब्लू मोमेंट, जेसीएच के तरफ से एफ दौदजाए और एन खान। बात करें यहाँ पे टू मार्की बैट्समैन को लेके, मेरे अकॉर्डिंग एच शहीदी होंगे, अटल होंगे। बात करें टू मार्की बॉलर को लेके तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होंगे कौन, जियाउर रहमान और कैस अहमद। अब यहाँ पर दोस्तों फैंटेसी टीम को लेकर जिक्र कर लेंगे, अभी इस मैच में किसी भी एप्लीकेशन पे गिव अवे नहीं है, लेकिन कमेंट गिव अवे भैया नहीं रुकने वाला है। कमेंट गिव अवे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कैश अहमद इस मैच में कितने फैंटेसी पॉइंट देने वाले हैं। जो भाई सही हो गए उनको मिल जाएंगे 101 रुपीज़, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, जो कुछ भी यूज़ करते हो उनके थ्रू उनको
मिल जाएंगे। अब फटाफट आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। तो दोस्तों विकेट के पीछे बात करेंगे, विकेट के पीछे हम लेके जाएंगे अपनी टीम में यहाँ पे एन शाह को। अगर एन शाह नहीं खेलते तो फिर हम लेके अली अहमद को चले जाएंगे। बैटिंग का बात कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ फाइनल टीम में बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों टीम मुझे लगता है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करेंगी और एमडी की टीम अपने बेंच वाले प्लेयर को अधिक से अधिक मौका यहाँ पे दे सकता है। तो अभी के लिए मैंने बल्लेबाजी में जगह दी हुई किसको, अब्दुल मलिक को, फिर मैं लेके जाऊंगा एस अटल को, ये दोनों तो हमारी टीम में होंगे ही। तीसरा मैं टॉस के अनुकूल लेके जाने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने अपनी टीम में जो है वो वफीकुल्ला को जगह दी हुई, जिन्होंने लास्ट मैच में 128 पॉइंट दिए हुए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा उससे पहले इनका बहुत तगड़ा स्टेट्स नहीं है। इनके अलावा यहाँ पे आप लोग जो है ट्राई कर सकते हो एस दुरानी को, एम हारून को कैप्टनसी भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो दिख रहे होंगे एन हसन, ये कुछ मैच में गेंदबाजी भी किए हुए थे 3 से 5 ओवर, तो ये भी आप लोगों के लिए क्वालिटी वाले पिक हो सकते हैं। ऑलराउंडर से बात कर लेंगे तो हम अपनी टीम में लेके जाएंगे आप यहाँ पे एन खान को, फिर हम लेके जाएंगे हजमतुल्ला उमर जय को, हजमतुल्ला शहीदी को, बाकी मैं अपना गेम चेंजर पिक यहाँ पे वाई अहमद जय को लेके जा सकता हूँ। अब ध्यान रखिएगा शहीदी हमारी टीम में तभी होंगे जब इनकी पहले बल्लेबाजी आएगी, अदरवाइज मैं इनको भी ड्रॉप कर दूंगा। समझ सकते हो मेरी टीम कैसा रह सकता है। बॉलिंग से बात कर लो तो मेरी टीम में होंगे कैश अहमद, फिर यहाँ पे एन खरोटे के मैं लेकर जाऊंगा शहीदी की जगह पे, फिर मैं अपनी टीम में जियाउर्रहमान अकबर को लूंगा, और मैं हो सकता है अपनी टीम में डब्लू मोमेंट को भी यहाँ पे ट्राई कर लूँ। रीजन सामने कमजोर टीम है, कब 3-4 विकेट लेकर चले जाए आपको मालूम भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे डब्लू मोमेंट हो सकते हैं, हफ्ता वाला मगर खेलते हैं तो मैं उनको भी बैक कर सकता हूँ। अभी के लिए मैंने यहाँ पे अपने टीम में जगह दी ए मोहम्मद को, फिर मैं यहाँ पे खालिद अहमद को भी लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं अपने टीम में बी अहमद को भी लेके जा सकता हूँ। अभी मैंने अपने टीम में यहाँ से ले लिया हसमतुल्ला शहीदी को फॉर सेफर साइड, बाकी मैं श्योर हूँ कि अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी नहीं करेगा तो मैं शहीदी को ड्रॉप कर दूंगा। बात करूँ फाइनल टीम प्रीव्यू को लेकर तो हमारी टीम में अंसा, वफीकुल्ला, अब्दुल मलिक, अटल, एन खान, उमर जय, शहीदी, कैश अहमद, अनखारोटे, ए मोहम्मद और जियाउर्रहमान अकबर। बात करूँ कैप्टन वीसी को लेकर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे अब्दुल मलिक, अटल, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा हजमतुल्ला, उमर जय, शाहिदी, और गेंदबाजी में ये तीनों कौन, खारोटे, जियाउर्रहमान अकबर और यहाँ पे कैश अहमद। मैंने अभी अपनी स्मॉल लीग की टीम में कैप्टनसी का जुबारा है वो सौंपा है यहाँ पे सबसे तगड़े, सबसे हटके, सबसे शानदार जियाउर्रहमान को। बीसी मैंने दिए कैश अहमद को। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कुछ टीम कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे पहले इनकी गेंदबाजी आ गई ना एमडी की, आग लगा देंगे हम लोग मैच में, तो टॉस का इंपैक्ट बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मेरे फाइनल टीम में कोई बदलाव होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर अपडेट कर दूंगा। साथ में अगर कुबेरा का डियो पिंटो पिक्स को लेकर बात कर लेंगे तो दोस्तों ये मैच देखता हूँ मैं कुबेरा पर अभी तक ऐड किए गए कि नहीं किए गए, अगर किए गए होंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। आई थिंक ये मैच अभी तक कुबेरा पे जो है वो ऐड नहीं किए गए हैं यहाँ पे, मुझे ये मैच अभी तक कुबेरा पे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मैं आप यहाँ पे एमडी वर्सेस जेसीएच ड्यू वाले सेक्शन में आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पहले वाले ड्यू और जो ड्यू में बताएंगे वही क्विंटो में आपको फॉलो कर लेने, ठीक है। हसमतुल्ला शहीदी, के होताक, एस अटल, एम मलिक और वफीकुल्ला। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो है एम मलिक या फिर एस अटल में से कोई एक ट्राई कर लो। ये मैं आपको टॉस के रिगार्डिंग बता दूँ, अगर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी आ जाए ना तो आप शहीदी के साथ जा सकते हो, अगर एमडी की पहले बल्लेबाजी है तो, अगर जेसीएस की पहले बल्लेबाजी है तो आप यहाँ पे अटल या फिर एम मलिक में से किसी एक के साथ चले जाना। नीचे वाले पोस्ट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जियाउर्रहमान अकबर, एस अटल, ए मोहम्मद, के अहमद, कैश अहमद। अब यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर यहाँ पे बल्लेबाजी आ जाए किसकी एमडी की तो आप अटल के साथ जा सकते हो, अगर गेंदबाजी आए ना तो जियाउर्रहमान अकबर और आप यहाँ पे कैश अहमद के साथ चले जाना। डियो पिंटो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, मैं आपको कभी एक बोल दूंगा तो वैसे आप लोग अभी से जाके इतने वर्ग लोगे सेम मैं भी ज्वाइन करूंगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो मैंने टॉस को यहाँ पे फेवर माना है, टॉस के अकॉर्डिंग आप लोग को बदलाव कर लेने हैं। सेम डियो वाली जो है टिप्स आपको क्विंटो में भी लगा लेने हैं। अभी तक ये मैच आई थिंक एक्शन 22 पे ऐड नहीं किया गया, साथ में एसी में ऑन करना भूल गया था, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा भी नहीं आगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल अधिक से अधिक ट्राई कीजिए।